बारिश और ओलावृष्टि के चलते प्रभावित हुई फसलों की खरीदी एक बार फिर शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि एसएमएस के जरिए जिन किसानों का नंबर आया है वे खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर अपनी फसल बेच सकते हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर हाल में दिया जाएगा। रबी सीजन की फसल गेहूं, चना और सरसों की खरीद आज से एक बार फिर शुरू हो गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों की खरीद बंद कर दी गई थी, जिसको फिर से शुरू कर दिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। वहीं किसानों के लिए कृषि विभाग और सीएम हेल्पलाइन में किसी भी परेशानी आने पर शिकायत करने का विकल्प भी जारी किया गया है। कमल पटेल ने कहा कि आगामी फसलों के लिए किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। नमस्कार, सभी किसान भाइयों को प्रणाम। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान हितैषी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके लागत का 50% जोड़कर समर्थन मूल्य यानी MSP घोषित किया गया है। इस समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी करने के लिए हमने रबी सीजन का गेहूं, चना और सरसों जो कृषि विभाग के माध्यम से खरीदी जाती है उसकी शुरुआत 15 मार्च से आज़ाद भारत में पहली बार की थी, ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और जो हमारे 86% किसान सीमांत और लघु हैं यानी 5 एकड़ से छोटे हैं, वो उन्हें पौने भाव पर बेच देते थे क्योंकि इसकी खरीदी बाद में होती थी। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पहले खरीदी करने का निर्णय लिया है, जिससे छोटे किसान के 86% किसान भी अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सके। और इसलिए हमने 15 मार्च से निर्णय लिया था खरीदी करने का, लेकिन ओले और बारिश के कारण उसकी तारीख पहले 22 करना पड़ी, फिर 22 को भी ओले और बारिश हो गई, इसलिए आज 27 मार्च है, आज से हम खरीदी शुरू कर रहे हैं। आप सभी किसान भाई जिनका SMS से नंबर आया है वो खरीदी केंद्र पर जाएं, और खरीदी केंद्र भी हमने बढ़ा दिए हैं पिछली बार से, अधिक सुविधा के लिए किसानों को सुविधा, जहाँ भी वेयरहाउस है वहाँ पर हमने खरीदी केंद्र शुरू किए हैं। और इसलिए किसान भाइयों, चना, सरसों और मसूर समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर उससे ऊपर रेट मिल रहे हैं मंडी में तो आप मंडी में बेचें, और कम मिल रहा है तो समर्थन मूल्य पर बेचें, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, उसको हम हासिल कर सकें। तो किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आपके लिए सदा तत्पर है, आपकी समस्या का हल करने के लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।